सो व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं सीवी फोटो एडिटिंग कैसे करेंगे, वो भी स्नैपसीड एप्लीकेशन की सहायता से करेंगे। और आप लोग को कुछ न्यू ट्रिक बताऊँ कैसे आप लोग अपने फेस को गोरा या स्मूथ कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आप लोग को ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद हम लोग इसका फेस गोरा करने के लिए बगल में पेंसिल वाले आइकन पे यहाँ से क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करना, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इस ब्रश वाले को ले लेना है, और इस ब्रश को लेने के बाद सेकेंड नंबर का हम लोग को यहाँ से ब्रश ले लेना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर का ब्रश लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं नीचे 0.7 लिखा है यहाँ पर, तो आप लोग को क्या करना है, इसको 0.3 पर रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग अपने फ़ोटो को जूम कर लेना, और जूम करने बाद कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस पर इसको अप्लाई करना है। इसको फेस पे कुछ इस तरीके से अप्लाई करिएगा, हेयर पे आप लोग को अप्लाई नहीं करना है। अभी आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक और सेटिंग बताया हूँ, उस सेटिंग को आप लोग देख लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद आप लोग इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद आप लोग को क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, बी एडिट पे जाना है यहाँ से, ठीक है। बी एडिट पे क्लिक करने बाद ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, उस 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने बाद आप लोग को फिर से 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना, इसको इंसर्ट कर लेना है। यहाँ से इंसर्ट करने बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोग का फेस गोरा हो चुका है काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम लोग बगल में पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, और पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से डबल एक्सपोजर पे हम लोग क्लिक कर देंगे। डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना, नीचे आप लोग को प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, उस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, और एक बैकग्राउंड को ऐड करना है, जिस बैकग्राउंड का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसका ऑपोसिटी यहाँ से फुल कर देंगे, और इस फोटो को हम लोग यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद बी एडिट पे जाना है, यहाँ से बी एडिट पे क्लिक करने के बाद डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है, यहाँ से डबल एक्सपोजर पे क्लिक करने ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद इसको 100 पे ही रखिएगा नीचे, और इसको नीचे 100 पे रखने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं जूम करके। कुछ इस तरीके से जूम करना है, और कुछ इस तरीके से आप लोग अपने बैकग्राउंड के किनारे किनारे, अपने मतलब बॉडी के किनारे किनारे आप लोग को इरेज करना है, तो आप लोग का बैकग्राउंड काफ़ी बढ़िया तरीके से रिमूव हो जाएगा। और आप लोग को बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता होगा, तो मैं इस पर उस टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लिए हैं। चेंज करने के बाद इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हेयर को सही करना है और फेस को स्मूथ करना है। तो सबसे पहले इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेते हैं, ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है, और इस फोटो को हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेंगे, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल पाएगा, सॉरी फ्रेंड, आप लोग उसको प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर ले रहे हैं उसी में LR में। तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है, अपने सबसे पहले एक प्रीसेट आप लोग को मिल जाएगा, उस प्रीसेट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से उस प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को क्या करना है, ऊपर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और इसको आप लोग को कॉपी सेटिंग कर लेना है यहाँ से, ठीक है। कॉपी सेटिंग करने के बाद आप लोग अपने सिंपल फोटो को यहाँ से ऐड कर लेना है, और इसके बाद आप लोग को ऊपर 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद इसको पेस्ट सेटिंग कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं हम लोग का फ़ोटो काफ़ी बढ़िया तरीके से हो चुका है। इसके बाद इस फोटो को हम लोग यहाँ से शेयर कर लेंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में,
तो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन ओपन कर लें, उसके बाद हम लोग इस सबसे पहले इसका हेयर सही करेंगे। तो हेयर को सही करने के लिए सबसे पहले ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करना। इस मौज में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ब्रश होगा, तो आप लोग को नंबर फर्स्ट वाला ब्रश लेना है यहाँ पे, और इसका सेटिंग आप लोग देख लीजिए सेटिंग कितना रखना है। ग्लो को 13 पे और स्ट्रेंथ को आप लोग 18 पे रखिएगा और साइज इसका 24 या 20 तक रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इस फोटो को जूम कर लेना है और जूम करने में कुछ इस तरीके से आप लोग अपने इस हेयर को एडिट करिएगा। तो हम लोग का हेयर एडिट हो चुका है। उसके बाद हम लोग अपने फेस को स्मूथ करने के लिए ऊपर उसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और लाइब्रेरी पर क्लिक करने बाद स्मज में आप लोग को नीचे ए वाला ब्रश ले लेना है। इस ब्रश का भी आप लोग सेटिंग देख लीजिए, फ्लो को 4 पे रखिएगा और स्ट्रेंथ को आप लोग 7 पे रखना है। अब ब्रश का साइज अपने पिक के हिसाब से फिक्स कर लेना है, जूम कर लेना है और नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका साइज फिक्स कर लेना है और कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस पर इसको गोल गोल करिएगा तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोग का फेस स्मूथ होगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी अपने फेस को स्मूथ करिएगा और ब्रश को कुछ इस तरीके से ही चलाइएगा। उसके बाद इस फोटो को हम लोग यहाँ सेव कर लेते हैं, ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है।